जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ वर्षा दुबे। वेलकम यू ऑल इन माय सोशल साइंस क्लास। थ्रू द लास्ट वीडियोस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट व्हाट वेयर द इंसिडेंट्स दैट हैपन फ्रॉम फेब्रुवरी टू अक्टूबर विच क्रिएट द बैकग्राउंड ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने देखा कि फेब्रुवरी से लेकर के अक्टूबर तक कौन सी घटनाएँ हुई जिन्होंने एक बैकग्राउंड, एक बेस तैयार किया अक्टूबर रेवोल्यूशन को होने के लिए। Now we'll see that what happened during this revolution, which I had asked you in the end of the previous video. पिछले videos में मैंने last में आपको ये बोला था कि मैं next video में ये बताऊँगी कि ये revolution था क्या या कैसे हुआ, ठीक है, इसमें क्या चीज़ें हुई। Basically, if I conclude you that what we are going to discuss today, it will be that how had the revolution evolved. अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, तो यही पढ़ाने वाली हूँ कि रेवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक ग्रो एंड द एटीट्यूड ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट फियर्ड लेनिन दैट दे मे सेट अप अ डिक्टेटरशिप। इसको समझते हैं। देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेल दैट बोल्शेविक्स वेयर बीइंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे एंड दे मे सीज द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बोल्शेविक के बढ़ते प्रभाव को देख करके, उनके डे बाय डे वो जितने स्ट्रांग होते जा रहे थे बोल्शेविक्स, उसको देख के डर लगा। उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनसे उनका ये पावर बोल्शेविक्स जो है वो छीन लें। सो दैट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम वॉज इंक्रीजिंग डे बाई डे। इसीलिए बोल्शेविक्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। एंड लेनिन ऑल्सो फियर्ड दैट द एक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज जस्ट लाइक अ डिक्टेटर रूल। और लेनिन के मन में भी किस बात का डर था कि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ये भी एक तरीके से डिक्टेटर के जैसा काम कर रही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अरेस्टेड द लीडर ऑफ वर्कर्स। क्या करना शुरू किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, सप्रेस करने के लिए बोल्शेविक्स को, वर्कर्स के जो लीडर्स थे, जो उन्होंने फॉर्मेशन, जो अपने सोवियत्स बनाए थे, एसोसिएशंस बनाए थे, उनको अरेस्ट करना शुरू किया। अटैक द लीडर्स ऑफ बोल्शेविक्स एंड ऑल दीज एटीट्यूड देर कॉम्पेल्ड टू थिंक लेनिन दैट दे मे सेट अप अ डिक्टेटरशिप। बोल्शेविक्स का जो लीडर था व्लादिमीर लेनिन, वो ये सोचने पर मजबूर हो गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एक्शंस को देख करके। कौन से एक्शंस को देख करके? सप्रेसिव एक्शन। और क्या सप्रेसिव एक्शन था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का? कि वो वर्कर्स के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर रही थी, बोल्शेविक्स के जो मेंबर्स थे, जो उसके सदस्य थे, उनको कैसे गिरफ्तार कर रही थी, उनको मारने का काम कर रही थी, है ना, उनको सप्रेस कर रही थी। इन सब चीज़ों को देख करके लेनिन को लगने लगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो मे बी ऑल्सो टर्न इन टू द डिक्टेटर रूल। तो फिर है, विथ बोल्शेविक सपोर्ट्स इन आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स, लेनिन स्टार्टेड अ प्लानिंग अगेंस्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, है ना। अभी देखो, लेनिन स्टार्टेड टू प्लान टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन टू सेव हिज कंट्री। अपने देश को बचाने के लिए लेनिन प्लानिंग करना शुरू करता है। एंड बोल्शेविक पार्टी एंड इट्स सपोर्टर ऑफ आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स स्टार्टेड टू प्लान अबाउट हाउ टू ब्रिंग रेवोल्यूशन अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और उसके प्लान में उसके सपोर्टर कौन होते हैं? फैक्ट्री वर्कर्स, सोवियट्स के जो मेंबर्स होते हैं वो, और बोल्शेविक पार्टी के जो सपोर्टर थे वो, रिटायर्ड आर्मी के जो मेंबर्स थे वो, मतलब ये सब मिलकर के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ लेनिन को सपोर्ट करते हैं, है ना। फिर है, लेनिन पर्सुएडेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री द सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, यानी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। इसको समझते हैं। देखिए, ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन वॉज सक्सेसेड टू परस्यूट सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ पेट्रोग्राड सोवियत एंड विद द हेल्प ऑफ बोल्शेविक पार्टी दे वर एग्री टू सीज द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देखिए, अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर 1917 आते आते लेनिन सक्सेसफुल हो जाते हैं। किस चीज़ में? परस्यू मतलब एग्री कराना, राजी कराने में। किसको एग्री कराते हैं? पेट्रोग्राड सोवियत के जो मेंबर्स थे उनको एग्री कराने में बोल्शेविक पार्टी के जो मेंबर्स थे वो, पेट्रोग्राड सोवियत के जो मेंबर्स थे उनको राजी करा लेते हैं। किस बात पे? कि अब हमें मिलकर के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पावर को सीज करना है। इन्होंने साथ मिलकर के सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की बात की, ठीक है। फिर है,
appointment of military revolutionary committee under Leon Trotsky to organize the seizure. अब ये कमांड किसके हाथ में आती है इन सारे एक्शंस को करने की मिलिट्री की? अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर. ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो पावर सीज करने के लिए इन्होंने आपस में जो बात की, प्लानिंग की, तो उसको कैसे अप्लाई करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, लियोन लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में, के लीडरशिप में ये एक कैसे सीजर करना, उसका पूरा एक अरेंजमेंट्स करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, और एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी जो है वो बनाते हैं जिसका लीडरशिप लियोन के हाथ में होती है, लियोन ट्रॉट्स्की के हाथ में. ठीक है, तो दे प्लान्ड हाउ टू सीक्रेटली ऑर्गेनाइज द सीजर ऑफ पावर फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट. ये सारी प्लानिंग वो सीक्रेटली करते हैं, कैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पावर को सीज करना है. ट्रॉट्स्की ये सारी चीज़ों को मिलकर के आर्मी की जो रेवोल्यूशनरी कमेटी थी उसके साथ मिलकर सीक्रेटली प्लान करते हैं. दे सीक्रेटली प्लान्ड हाउ टू रिमूव द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फॉर्म अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट. कैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा करके सोशलिस्ट गवर्नमेंट लाया जाए, इन सब की प्लानिंग ट्रॉट्स्की अपनी रेवोल्यूशनरी मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के साथ मिलकर के सीक्रेटली करते हैं. बट द डेट ऑफ अपराइजिंग वॉज केप्ट अ सीक्रेट. लेकिन ये कब करना है इसकी डेट का डिक्लेरेशन नहीं देते, उसको वो सीक्रेट रखते हैं, है ना, प्लान को सीक्रेटली करते हैं. फिर है व्हाट हैपन नेक्स्ट, होता क्या है. द अपराइजिंग बिगिन ऑन 24th October. वी विल डिस्कस दिस नाउ दैट अबाउट द प्लानिंग ऑफ रेवोल्यूशन. हमने प्लानिंग ऑफ रेवोल्यूशन क्या है इसके बारे में तो डिस्कस कर लिया, बट हाउ विल इट एग्जीक्यूट, वील सी इट राइट नाउ. ये पूरा प्लानिंग कैसे करते हैं, कमेटी बनाते हैं और ट्रॉट्स्की के लीडरशिप में सब कुछ डेट वगैरह डिसाइड करते हैं लेकिन डिस्क्लोज नहीं करते, तो प्लानिंग तो बन गई. अब इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, अप्लाई कैसे किया जाए, पावर सीजिंग का एक्शन किया कैसे जाए, इसको अब हम देखते हैं. ठीक है, शुरुआत होती है द अपराइजिंग बिगिन ऑन 24th October, यानी द अपराइजिंग ऑफ रेवोल्यूशन, या कह सकते हैं द रिवोल्ट बिगिन ऑन 24th October. 24th October को इसकी शुरुआत होती है. मिलिट्री रेवोल्यूशन कमिटी सीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अरेस्टेड मिनिस्टर्स. पहला एक्शन ये क्या करते हैं, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी ऑर्डर्स इट्स सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर्स. जितने भी मिनिस्टर्स थे गवर्नमेंट ऑफिस के बैठे हुए, उन सबको ऑफिस को सीज करना और उनके मिनिस्टर्स को जो है अपने क्या करती है मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, क्या करती है सपोर्टर्स को ऑर्डर देती है टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर, कि इन सबको एक बंधक बना लो, ऑफिस को सीज कर दो. फिर एक और काम होता है, शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस टू कैप्चर ऑल द मिलिट्री पॉइंट्स और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स. दे शिप अरोरा एंड अदर वेसल्स, और कह सकते हैं समेरिन, है ना, जो युद्ध पोत होते हैं, तो समेरिन शेल डाउन इन रिवर नेवा. वहाँ की नदी जो रिवर नेवा थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें वो अपनी समेराइन उतार देते हैं, शिप अरोरा को उतार देते हैं, है ना, क्योंकि ये उनकी स्ट्रेटजी होती है. क्या क्या होती है कि जितनी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जो जगह हैं उनको अपने कब्जे में पहले ले लें. दे टुक ओवर ऑल वेरियस मिलिट्री पावर सोल्जर्स हु वेर द सपोर्टर्स ऑफ बोल्शेविक्स रीज देयर. दे डिड सो दैट प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुड सरेंडर्ड. मिलिट्री पावर को अपने हाथ में और हर जगह से सब कुछ सीज क्यों करते हैं, ताकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सरेंडर कर दे, उसके पास कोई और ऑप्शन ना बचे. By night, city was under committee's control. Seeing trouble, Prime Minister Kerensky summoned troops. ये हैं Prime Minister Kerensky. देखिए, in this way they controlled all the important strategic point of the city of Petrograd. जितने भी city of Petrograd के important points हैं military point of view से उसको वो control में कर लेते हैं. But now you all are thinking that why had not provincial government do something against them? अब आपको ये लग रहा होगा ना कि ये सब कुछ करते जा रहे हैं बोल्शेविक के मेंबर्स और ये सारे लोग, तो क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई एक्शन ले ही नहीं रही थी. दे हैड मेड सेवरल एक्शन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शन लिए बट फेल्ड, सबके सब बेकार चले गए. जैसे अभी मैंने पढ़ा, सीइंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर करेंसकी समन ट्रुप्स.
The prime minister of that provincial government, Kerensky, failed that there may be dangerous condition, है ना, so that he ordered his troops to capture the building of Bolsheviks. क्या करता है वो, order करता है अपने जो prime minister होता है वहाँ का, उस समय का provincial government का, अपनी सेना को कि जाओ और जा करके Bolsheviks के जो buildings हैं उनको capture करो. Military men loyal to government seize the building of two Bolsheviks newspaper. और क्या करते हैं, telephones and telegraph office were taken over by this supporter of the pro-government troops. But all this was failed. फिर से इसको मैं समझाती हूँ. These actions were of no use. है ना, प्राइम मिनिस्टर ने जो भी एक्शन लिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, जो प्राइम मिनिस्टर था Kerensky, लेकिन उसके सारे एक्शन बेकार जाते हैं. बिकॉज द प्लानिंग ऑफ मिलिट्री कमिटी वॉज मच बेटर देन हिम, क्योंकि मिलिट्री कमेटी की जो प्लानिंग थी वो इनसे कहीं बेहतर थी. दिस इज़ ऑल अबाउट अक्टूबर रेवोल्यूशन. यही सारी घटनाएं जो हुई यही अक्टूबर रेवोल्यूशन है. यू हैड सीन थ्रू द प्रीवियस वीडियोज दैट हाउ हैड द फेब्रुवरी रेवोल्यूशन हैपन, वॉट वॉज इट्स इम्पैक्ट, हाउ डिड द कंसेंट और कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक पार्टी इंक्रीज्ड. आपने ये सारी चीज़ें देखी है ना, कैसे फेब्रुवरी रेवोल्यूशन होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच में, बोल्शेविक पार्टी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में. लेनिन प्लान टू रिमूव द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड गॉट सक्सेडेड इन अक्टूबर रेवोल्यूशन कम्प्लीटेड. लेनिन प्लान करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा के सोशलिस्ट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का, सक्सेस भी होता है और इस तरीके से अक्टूबर रेवोल्यूशन कम्प्लीट होता है. But here, one thing you should remember that all these happened in the city of Petrograd. But what about the rest part of the country? यहाँ पर एक बात याद रखनी हमें ज़रूरी है कि ये जितनी भी चीज़ें हुई ये सारी चीज़ें हम शहर के पढ़ रहे थे, यानी अर्बन एरिया सिटीज एरियाज़ की पढ़ रहे थे सिटी ऑफ पेट्रोग्राड के बारे में, लेकिन गाँव में क्या हो रहा था. शहरों में तो बोल्शेविक पार्टी ने बहुत कुछ कर लिया है ना, तो इम्पैक्ट ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन एंटायर द नेशन, देश के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा था, इसको भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है. बोल्शेविक एक्शन वॉज गिवन अप्रूवल बाय मेजोरिटी सोवियत एट ऑल रशियन कांग्रेस इन पेट्रोग्राड. देखिए, दीज एक्शन ऑफ बोल्शेविक पार्टी वॉज गेटिंग अप्रूवल बाय अदर सोवियत्स और ऑल रशियन कांग्रेस पेट्रोग्राड, एंड इन दिस वॉज द एक्शन ऑफ बोल्शेविक्स गो टू लेजिटिमेसी. फिर है, दीज वेयर फाइट इन मॉस्को बट बाय दिसंबर 2 बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड. देखिए, दीज वॉज देयर वॉज स्टिल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर्स ऑफ बोल्शेविक पार्टी एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट. अभी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था. इन मॉस्को, जो कि आज का कैपिटल है रशिया का, उन दिनों पेट्रोग्राड हुआ करता था, आज की डेट में तो मॉस्को है. तो मॉस्को में क्या चल रहा था, इन मॉस्को प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिडंट वांट टू गिव अप देयर इजीली. मॉस्को में प्रोविंशियल गवर्नमेंट इतनी इजीली बोल्शेविक पार्टी को जीतने देना नहीं चाहती थी, सप्रेस करने की पूरी स्ट्रेटजी बनाती है वो. बट इन दिसंबर बोल्शेविक सक्सीडेड टू कैप्चर द एरिया फ्रॉम पेट्रोग्राड टू मॉस्को. लेकिन अंत में बोल्शेविक पार्टी सक्सेसफुल हो जाती है और पेट्रोग्राड से लेकर के मॉस्को तक पूरे एरिया पे वो कब्जा कर लेती है. इन दिस वे अक्टूबर रेवोल्यूशन इवॉल्व, और इस तरीके से अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है. ठीक है, और आपने देखा होगा कैसे फेब्रुवरी रेवोल्यूशन होता है, आफ्टर दैट हाउ वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ये आपका बोल्शेविक एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट अकॉर्ड, फिर अंत में क्या होता है दोनों में, तरह तरह की सप्रेसिव नीति प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनाती है बट ऑल वेयर ऑफ नो यूज़, उसका कोई भी असर नहीं होता, और एट लास्ट बोल्शेविक पार्टी गॉट सक्सेस टू कैप्चर द एरिया फ्रॉम पेट्रोग्राड टू मॉस्को. यही पूरी घटना जो है ये अक्टूबर रेवोल्यूशन है. ठीक है, अभी यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद होता क्या है. अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रैल थीसिस. जो अप्रैल थीसिस थी, अक्टूबर रेवोल्यूशन तो हो गया है ना, अब अप्रैल थीसिस का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये भी हम पढ़ते हैं. वी हैड स्टडीड इन प्रीवियस वीडियोज़ दैट अगर एक मैं रिकैप कर लूँ
कि अब तक हमने क्या पढ़ा, हाउ हैड द अक्टूबर रेवोल्यूशन इवॉल्व एंड थिंग्स वेर चेंज्ड, हाउ एवर द चेंजेस अकर्ड आफ्टर फेब्रुवरी रेवोल्यूशन, बट आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज टुक ओवर बाय बोल्शेविक गवर्नमेंट एंड दिस वॉज अ ट्रू सोशलिस्ट रेवोल्यूशन. फेब्रुवरी रेवोल्यूशन से घटनाएं चेंजेस आना शुरू हो जाता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बन जाती है, सारे पावर उसके हाथ में आते हैं, लेकिन बोल्शेविक और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कैसे क्लैश होता है और अंत में बोल्शेविक सक्सेसफुल होते हैं और ट्रू सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं. यहाँ तक तो हम पढ़ चुके. नाउ वी विल डिस्कस टुडे दैट व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन. जब बोल्शेविक पार्टी एक्शन में आती है, सोशलिस्ट जो है रेवोल्यूशन मतलब अपनी जो पार्टी बनाती है, तो किस तरीके से वो काम करती है, अप्रैल थीसिस जो वो लेके आई थी लेनिन, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है. बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड बाय नवंबर 1917, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट. देखिए, एज लेनिन टोल्ड दैट दे विल ब्रिंग अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट एंड देन आफ्टर अप्लाइड हिज अप्रैल थीसिस, जैसा कि लेनिन ने कहा था कि वो एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट लेके आएंगे और अप्रैल थीसिस को अप्लाई करेंगे, तो दे स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंटेड द अप्रैल थीसिस. तो वो अप्रैल थीसिस का इम्प्लीमेंटेशन शुरू भी करते हैं. बैंक्स वेयर नेशनलाइज टिल नवंबर 1917 एंड गवर्नमेंट हैड द ओनरशिप और मैनेजिंग पावर ऑफ दीज बैंक्स, है ना, बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो जाता है. फिर है, पीजेंट्स टुक ओवर द लैंड ऑफ नोबेलिटी एज इट वॉज डिक्लेयर्ड एज सोशल प्रॉपर्टी. एज द लैंड वॉज डिक्लेयर्ड द सोशल प्रॉपर्टी, द पीजेंट टुक ओवर द लैंड फ्रॉम नोबल्स, क्योंकि जो लैंड एरिया था उसको सोशल सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था. इसीलिए क्या करते हैं, नोबल्स की ज़मीन को पीजेंट सीज करने लगते हैं. इन दिस वे लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड, इस तरीके से ज़मीन का बंटवारा होता है. लार्ज हाउसेस वेयर पार्टीशन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ फैमिली, यूज ऑफ टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी वॉज बैंड इक्वेलिटी लाने के लिए, है ना, जो बड़े बड़े हाउस थे उनका बंटवारा होता है, है ना, पार्टीशन होता है जिसकी जितनी बड़ी फैमिली है उसके अकॉर्डिंग, और टाइटल्स जो थे एरिस्टोक्रेट्स, है ना, उन पर बैन लग जाता है. किस लिए, क्योंकि इक्वलिटी प्रमोट करना चाहते थे. एज द किंग यूज टू प्रिफिक्स विथ हिज नेम, है ना, टू प्रमोट द इक्वलिटी. फिर है, टू शो द चेंजेस, न्यू यूनिफॉर्म्स वेयर डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशल्स, जिसका नाम था एग्जाम्पल के तौर पर वुडन वॉक हैट. एक वुडन वॉक हैट थी, है ना. अब देखिए, द हैट ऑफ सोल्जर्स यूनिफॉर्म चेंज टू शो द इक्वेलिटी, है ना, सोल्जर्स के यूनिफॉर्म की जो हैट थी उसको चेंज कर दिया गया. क्यों, ताकि इक्वेलिटी दिखाई जा सके. इन दिस वे चेंजेस वेयर एक्सप्रेस्ड, और इस तरीके से अलग अलग तरीके से वो चेंजेस दिखा रहे थे, इक्वलिटी कैसे हम समाज में ला रहे हैं उसको शो ऑफ कर रहे थे. फिर है, बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. यहाँ से ये बात याद रखना, मैं बार बार इस बात को बोलूँगी, बोल्शेविक पार्टी को आगे जाके कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी मैं बोल सकती हूँ, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से. बोल्शेविक पार्टी का नाम यहाँ से बदलकर क्या हो जाता है, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. अब बात आती है, इन दिस वे द अबव चेंजेस केम आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, इस तरीके से ये सारे चेंजेस आते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद. बट वॉज एवरीथिंग सो स्मूथ आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन? पर क्या आपको लगता है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया? नो, देर वेर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, अब भी प्रॉब्लम्स थी. देर कैन बी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन इन योर एग्जाम दैट वॉट वेयर द प्रॉब्लम्स आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन. आपसे एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, है ना. तो बेहतर होगा कि दैट वी शुड डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. We'll discuss this in next video that आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि what are the changes which Bolshevik party introduced after October Revolution. तो उसमें आपको जो आज पढ़ाया वो सब लिखना है. अगर आपसे ये पूछता है कि October Revolution के बाद क्या changes आए, तो वो तो जो आज मैंने पढ़ाया वो लिखोगे. Nationalization होता है, पार्टी का रीनेम होता है, यूनिफॉर्म के जो डिज़ाइन होती है वो सोल्जर्स की चेंज हो जाती है, मतलब ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे. लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, आई विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो.
Don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Goodbye, Jai Hind.